हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी जेई सीबीटी 2 की आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। तो आज जो है फ्रेंड्स 28/8/2019 को हुए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए। इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको ख्याल हो जाए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल कितने पूछे गए। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज जो सिविल इंजीनियर का पेपर था, कल मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल ऐसे पेपर होने वाले हैं। तो फ्रेंड चलते हैं प्रश्नों की तरफ जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा गया था आपका एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो एसआई यूनिट जो है कंडक्टेंस की वो है मोह, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी यूनिट हो आप एक बार एग्जाम देने से पहले कर लीजिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जगह तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने तेल खाने वाले बैक्टीरिया की खोज जो की थी वो मेरियाना गर्त के अंदर की थी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 15 अप्रैल 2015 को निर्भय का सफल परीक्षण किया गया वो क्या है। तो फ्रेंड्स, निर्भय जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू के अंदर होती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया आपका, एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है। तो एक निब्बल जो है फ्रेंड्स वो 4 बिट के बराबर होता है। और एक प्रश्न आपका पूछा गया था ग्रीन हाउस के रिलेटेड। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा गया था रिपब्लिक डे कब बनाया गया था। तो रिपब्लिक डे पहली बार जो है वो 26 जनवरी 1950 के दिन बनाया गया था। और इस बार 2019 में रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को अब भारत के चीफ गेस्ट है सिरिल रामाफोसा जी, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रश्न पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स वो ओजोन लेयर से संबंधित है। इसके अलावा आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस से संबंधित है। रामसर प्रोटोकॉल जो है वो वेटलैंड यानी दलदल भूमि से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, पहला बजट किसने पेश किया था। तो पहला बजट जो है आपका सन्मुखम जी ने पेश किया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था, चेयरमैन ऑफ ओबीसी कमेटी। तो ओबीसी कमेटी के जो चेयरमैन है वो भगवान लाल जी है। इसके अलावा एक प्रश्न था आपका, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फ्रेंड्स, 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो एनके सिंह है। और इनका समय काल जो है वो 2020 से 2025 के बीच में है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, चापचार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड, चापचार फेस्टिवल जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम के अंदर मनाया जाता है चापचार फेस्टिवल। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको कर लेना है। एक एक बार सारे फॉर्मूले आपको जो है वो कर देने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 2 आएगा NH4 2 SO4। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, भरतपुर किला कहाँ है। तो भरतपुर किला जो राजस्थान में, इसके अलावा कुंभलगढ़ किला भी राजस्थान में है, हवा महल भी राजस्थान में है। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे सीएम जो है वो अशोक गहलोत है। तथा राजस्थान की कैपिटल जयपुर को हाल ही में फ्रेंड्स यूनेस्को ने वर्ल्ड धरोहर के रूप में शामिल किया है। इतना आपको राजस्थान से याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका, क्यू क्लेम का फॉर्मूला। तो CaO याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके कारण होता है। फिजिक्स से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि 32 जो था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का था, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट के माध्यम से मिला है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टूडेंट का कहना था कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो 1 से 2 ही आ रहे, मोस्ट ऑफ थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। बिकॉज सिविल के पेपर है तो सिविल के अंदर जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल होते नहीं है। और जो बेसिक टॉपिक बताए सिविल वालों के लिए वो था, एक तो बीम से क्वेश्चन आया था यानी फिक्स्ड बीम से पॉइंट लोड के वाला एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वैल्यू आपको पुटअप करनी थी, आंसर आ जा रहा था। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से पूछा गया था। फिर एक ग्रीलैंड फाउंडेशन से प्रश्न आ रहे, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर इससे प्रश्न आ रहा है, फिक्स बीम से प्रश्न आ रहा है। और न्यूमेरिकल जो है फ्रेंड्स, स्टूडेंट ने बताया था कि उनको जो देखने को मिले वो करीब 3 से 4 न्यूमेरिकल देखने को मिले और वो भी इजी थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपका पूछा गया था, 200 की नोट पर कितनी एंगुलर लाइन है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा BCD का फुल नेम पूछा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर को सिक्योरिटी देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर को सिक्योरिटी देने के लिए जो है फ्रेंड्स फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका एक प्रश्न पूछा गया था, A3 का डायमेंशन क्या होता है यानी A3
सीट होती है एमएस ऑफिस में, उसका डायमेंशन कितना होता है? तो A3 शीट का जो डायमेंशन होता है वो 29.7 × 42 सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स ये थे एक छोटा सा एनालिसिस जो स्टूडेंट के माध्यम से क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।